हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करें कि न्यू रोबो के नाम से एक ब्लूटूथ स्पीकर है, उसका हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सभी मैं डिटेल बता दूंगा। अगर आप अमेजन से ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं, और आप मंत्रा से भी ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन परचेज़ करना चाहते हैं किसी मार्केट से, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा ना समय लेते हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो में आप पूरा प्रोसेस समझे क्या है और किस तरीके का ये ब्लूटूथ स्पीकर है विथ लाइट, इसको टॉर्च के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मैं विंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है, ठीक है, और उसमें टॉर्च भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो हम इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो मैंने न्यू लिया है, तो मैं सबसे पहले इसके फीचर्स वगैरह आपको बारे में बताता हूँ और अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको खोल के साइड में रख लेता हूँ। इसका अनबॉक्सिंग है, इसको देखते हैं कि इसमें कैसा ब्लूटूथ स्पीकर आता है, उसमें क्या क्या फीचर है, मैं सभी बताता हूँ आपको पूरे डिटेल में। मैं निकाल लेता हूँ, साइड में रख देता हूँ। ये देखिए ब्लूटूथ स्पीकर है, ठीक है। तो ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है, इसमें सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, टॉर्च भी है इसमें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ये सभी फीचर्स दिख जाएंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखिए ये टॉर्च का मतलब दिख रहा है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पे म्यूजिक को बदला जा सकता है, गाने वगैरह जो भी होते हैं आगे पीछे किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके जो फ्यूचर में धीरे धीरे बता देता हूँ कि किस तरीके से होंगे। एक बार यहाँ पे जो फ्लैश लाइट मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे, इस तरीके से होगी, देखिए, ठीक है। लाइट काफ़ी अच्छी है, एक टॉर्च के रूप में भी काम हो सकती है ये आपको। और इसके पीछे एक स्पीकर दिया हुआ है, जो इसमें म्यूजिक चलेगा तो अच्छी खासी आवाज़ होगी, इसमें वॉल्यूम भी अच्छा है इसका। तो आपके पास जो भी हो, कार्डरेटर और पेन ड्राइव, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास एक कार्डरेटर, मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे, और आप ब्लूटूथ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। और ये इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे साइड में दिख जाएगा आपको, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला बटन, ये दिख रहा होगा, ये वाला बटन है जो पावर ऑन ऑफ का। ये चार्जिंग पॉइंट है, और ये दर्शाता है कि चार्जिंग कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये देखिए हो चुका है यहाँ पे प्ले बाय यूएसबी ड्राइव। तो ये जो इसका इसका एक पॉइंट पे वॉल्यूम है, काफ़ी अच्छी खासी वॉल्यूम है, और यहाँ से आप गाने को आगे पीछे कर सकते हो। इसको पुश कर ही रखोगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और इसको एक बार पुश करोगे तो गाना है जो चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। ये और इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पे, ये ऑफ हो जाएगा यहाँ से, और इसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपकी चीज़ और बता दूँ, यहाँ से आप इसको जो इसका ये ऑप्शन होता है यहाँ पे कार्ड राइटर को बदलने वगैरह का, ठीक है, पुश करके इसको आप FM मोड पे ले जा सकते हो, और ब्लूटूथ कनेक्टर उस पर ले जा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें कर सकते हो। रही बात चार्जिंग की, तो इसके साथ एक डाटा केबल है, ये वाला दिया होता है छोटा डाटा केबल, इसको यहाँ पे इस तरीके से आप लगा के अपने हिसाब से, और उसके बाद इसको लगा सकते हो आप अपडेटर में, जो भी आपका सबडेटर वगैरह उसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बिंदी दी हुई है, ये छोटा सा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्लू रंग का हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि ऑन हो चुका है। तो ये अच्छा खासा है, म्यूजिक सिस्टम है, और इसमें ये सभी काम में आता है, जैसे कि आप रात के टाइम इसको टॉर्च में भी ले सकते हैं, और वैसे भी काम आ सकता है, इसमें गाने वगैरह सुन सकते हैं, म्यूजिक वगैरह। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि सिर्फ एंड्रॉयड के लिए, जो एंड्रॉयड मोबाइल है उन्हीं से इसका जो ब्लूटूथ चलता है, ना कि कीबोर्ड से। और टॉर्च तो इसकी बहुत अच्छी है, इसका रेट भी खास अच्छा खासा नहीं है, बाकी मेरे हिसाब से लमसम इसका 230-250 के आसपास रेट है, इतने की तो टॉर्च आती है, इसमें दोनों सिस्टम है। तो ये मैं एक छोटा सा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये दिखाई जाए चीज़, ठीक है। तो अगर इसको ख़रीदना चाहते हो तो मैं इसका लिंक है जो डाल दूँगा, चल
टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ढूंढ सकते हैं। और अमेजन पे तो शायद थोड़ा महंगा चल रहा है, बट जो होल सेल रेट में वहाँ पे आपको मिल सकता है 250 में। और मार्केटों में अपने हिसाब से आगे पीछे भी रेट उनके हैं, जो काफ़ी कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है ऑनलाइन पे तो कुछ ज़्यादा ही है महंगा मिलेगा, लगभग लगभग आपको आसपास 350 के। बाकी ये 230 के आसपास का इसका जो प्राइस है, रियल प्राइस है वो 230 ही है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मन में कोई कमेंट होता है, मन में कोई सुझाव है या कुछ पूछना चाहते हैं, अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं आप, तो वो चीज़ें एक बार आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ चाहिए हो, इसके बारे में पूछना हो, कहाँ से ये मिलेगा, आप कहाँ से परचेज करना है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।